वैसे हमारे सलील बिश्नोई जी ने बहुत जब लंबा परिचय देना शुरू किया तो मैंने कहा मुझे उठना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही अनुभवी और सुलझे हुए सांगठनिक कुशलता के धनी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ जी पांडे और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने कि 15-16 वर्षों के अंदर ही जिस तरीके से काम किया है वह अपने में एक मिसाल है और सचमुच हुकूमत कैसे चलाई जाती है इसका संदेश देने में कामयाब रहे, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सारे देश में संगठन के काम को देखने वाले जिनका पूरा जीवन ही इसमें समर्पित है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन आदरणीय रामलाल जी और उत्तर प्रदेश के दो युवा उप मुख्यमंत्री त्रिकेश्वर प्रसाद जी मौर्य, श्री दिनेश जी शर्मा और श्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी देखने में बहुत सीधे साधे लगेंगे, बहुत सरल दिखाई देंगे, लेकिन मैं मित्रों बतलाना चाहता हूं कि हमारे भूपेंद्र यादव जो राष्ट्रीय महासचिव हैं ये बहुत माने जाने इंटेलेक्चुअल हैं या बुद्धिजीवी हैं, इस रूप में भी इनकी मान्यता प्राप्त है। ऐसे हमारे श्री भूपेंद्र यादव जी और डॉक्टर अनिल जैन जी तो आपके पड़ोसी हैं, इनसे तो परिचित ही होंगे, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कल्ला जी मिश्र, लंबे समय तक इन्होंने हम लोगों का नेतृत्व किया है, डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी, हमारे मित्र श्री विनय जी कटियार, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, सभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में हम सभी लोगों ने लंबे समय तक काम किया है। और हमारे उत्तर प्रदेश के सांगठनिक कुशलता के धनी ऐसे हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सुनील जी बंसल और मंच का संचालन कर रहे प्रदेश महासचिव श्री सलील जी विश्रोई और हमारी केंद्र की एक ही मंत्री दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर साध्वी निरंजन जी ज्योति, शिवप्रताप जी कहाँ हैं? शिवप्रताप जी बस मुझे शिवप्रताप जी को तलाशने के लिए घूर कर देखने की जरूरत। हमारे वित्त राज्य मंत्री श्रीमान शिव प्रताप जी शुक्ल, संतोष जी कहाँ? संतोष जी तो बराबर पीछे बैठते हैं चाहे जहां है। और हमारे भारत सरकार के मंत्री श्री संतोष जी गंगवार और भी हैं, अरे वाह, डॉक्टर महेश शर्मा जी बहुत अच्छे। और मित्रों शायद आपका ध्यान नहीं गया है हम लोगों के बीच प्रारंभ से ही हम सभी के श्रद्धा आस्था और विश्वास के केंद्र हम सबके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के अनन्य सहयोगी आदरणीय शिव कुमार जी भी इस समय यहां पर मौजूद हैं और मेरे कार्य समिति के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं बैठे बैठे अपने अध्यक्ष जी का भाषण सुन रहा था और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुन रहा था। कानों से तो इनके भाषण को मैं सुन रहा था लेकिन नजरें यदि हमारी किसी पर टिकी थी तो आप सबके ऊपर मेरी नजरें टिकी हुई थी। आपके चेहरे की तरफ मैं देख रहा था, मैं आपके हाव भाव को देख रहा था और बहनों भाइयों मैं जिस नतीजे पर पहुंचा मेरा विश्वास ये पक्का हो गया है कि 2014 में जो केंद्र में हमको पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था उसमें सर्वाधिक योगदान यदि किसी का है तो उत्तर प्रदेश का है। और इस बार भी आपको देखने के बाद, आपके हाव भाव को समझने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 2019 में भी केंद्र में सत्ता हासिल करने का एक प्रेस वे यदि कहीं से गुजरेगा तो हमारे उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, यह मेरा पूर्व पूरा भरोसा।
मैं उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता से, उनके समर्पण और लगन से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। मैं जानता हूं और वैसे भी जानूं क्यों ना, भले ही हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हों, लेकिन आपके घर का मंत्री तो मैं ही हूं, गृह मंत्री हूं। वैसे योगी जी गृह मंत्री बनना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि घर के मंत्री होते हैं। और अब जब कार्यसमिति की यहां पर बैठक हो रही है, तो आप जानते हैं कि हम आजादी के 71 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। 3 दिन के बाद ही 15 अगस्त का आजादी का जश्न हम मनाएंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से राष्ट्र को उद्बोधन भी हमको सुनने को मिलेगा, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक होगा। लेकिन इस सच्चाई को भी हमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि हमें जो आजादी हासिल हुई है बहनों भाइयों, यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है। आजादी यदि हासिल हुई है तो 16 साल से लेकर 80 साल, 85 साल, 90 साल के लोगों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमको आजादी हासिल हुई है। अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया है और आज इस मेरठ में यह कार्य समिति हो रही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल यही बजा था, जबकि मंगल पांडे ने कलकत्ता के भैरवपुर में गोली चलाई थी, विद्रोह किया था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी यहां यहीं से हुई थी। और आज हमारी कार्यसमिति की बैठक भी यहां हो रही है। आप ये कहेंगे कि मैं इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि हमारी राजनीतिक यात्रा का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है। और मैं बार बार अपने भाषणों में इस बात को दोहराता रहता हूं कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति। हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी जो राजनीतिक यात्रा का यह दौर चल रहा है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, संप्रभुता की रक्षा के लिए चल रहा है। हमारी राजनीतिक यात्रा का जो यह दौर चल रहा है, वो भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, स्वाभिमानी भारत बनाने के लिए, समृद्धशाली भारत बनाने के लिए और समरस भारत बनाने के लिए हमारी राजनीतिक यात्रा का यह दौर चल रहा है। कैसे सरकार चलाई जाती है, या तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को आपने देखा था, जिसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने आपके सामने की, या तो आप देख रहे हैं। बहनों भाइयों, कौन इस सच्चाई को नकारेगा? 4 वर्षों में जिस तरीके से यहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, जिन लोगों ने विदेशों की यात्रा की होगी, उन्हें इस बात का एहसास हो, भारत के बारे में धारणा लोगों की बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के प्रति एक धारणा बनी हुई है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिस सरकार ने इतना काम किया हो, जिस सरकार ने भारत का मस्तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऊंचा किया हो, वह सरकार कांग्रेस सहित हमारे कुछ विपक्षी दलों को पच नहीं रही है। आपने देखा कभी, आज ये संसद का सत्र जो कल ही समाप्त हुआ है, इस संसद सत्र में कांग्रेस एंड कंपनी ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, कहा इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, इस सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। लेकिन यह भी आपने देखा कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और कांग्रेस के दोस्तों को इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए गठबंधन की काट की हाड़ी 2004 से 2014 तक एक बार चढ़ चुकी है, अब दोबारा वह काट की हाड़ी अब नहीं चढ़ने वाली है। इस सच्चाई को भी उन्हें समझना चाहिए। और उस समय का दृश्य भी आपने देखा होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस चल रही थी, तो कांग्रेस के
अध्यक्ष ने क्या करिश्माई काम कर दिया, क्या करिश्माई काम कर दिया, उसे रहा नहीं गया, बेचैन थे। देश की जनता तो हमारे प्रधानमंत्री को प्यार करती है, वह भी हमारे प्रधानमंत्री को प्यार करने के लिए चले गए और उन्होंने वहां पर चिपको अभियान प्रारंभ कर दिया संसद के भीतर। मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी इस प्रकार का चिपको अभियान संसद के अंदर आपको देखने को नहीं मिला। राजनीतिक क्षेत्र में संसद हो तो संसद के बाहर बराबर मर्यादाओं का गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हर संस्था की अपनी गरिमा होती है, हर संस्था की अपनी डिग्निटी होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। जिस राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष संसद की गरिमा को बनाए नहीं रख पा रहा है, वो आज भारत का प्रधानमंत्री है बनने का यह स्वप्न देख रहा है, ये कैसी विडंबना है। और आपने देखा कि जितनी अपेक्षा उन्होंने की थी कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर उन्हें सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा, उतना भी नहीं मिल पाया, बल्कि जितनी हम लोगों ने अपेक्षा की थी उससे कहीं बहुत अधिक हम लोगों को सांसदों का समर्थन जो है भारत की संसद में प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? दिल से बहुत लोग चाहते हैं, ऐसा ही हमको नेतृत्व चाहिए, ऐसी ही हमको सरकार चाहिए, इसलिए यह हो रहा है। आज चले जाइए भारत ही नहीं दुनिया के देशों में लोग कहते हैं मेरे बहनों भाइयों कि विश्व में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है, सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। आज दुनिया से इन्वेस्टर्स निवेशक दुनिया में किसी देश में निवेश के लिए आकर्षित यदि हो रहे हैं तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, वो हमारे भारत देश में आकर्षित हो रहे हैं। अब सारी दुनिया इस तरीके से भारत को मान्यता दे रही है, सब कुछ कर रही है, भारत के प्रति सारे विश्व में एक आकर्षण पैदा हो रहा है और उन्हें समझ में बात नहीं आ रही। बराबर भारत के समाज को जाति पंथ और मजहब के आधार पर बांट कर इन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे बहनों भाइयों, सत्ता हासिल हो अथवा ना हो, हम भारत के समाज को किसी भी सूरत में न टूटने देंगे न हम भारत के समाज को किसी भी सूरत में बढ़ने देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब तक हमारे देश में सामाजिक समरसता नहीं रहेगी तब तक एक भारत और श्रेष्ठ भारत का हमारा स्वप्न भी कभी साकार नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग वही राजनीति कर रहे हैं, समाज को चाहे तोड़ने की जरूरत पड़े तोड़ो, हमें किसी भी सूरत में सत्ता हासिल होनी चाहिए, इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। जिस प्रधानमंत्री ने शपथ लेते ही कहा हो कि हमारी सरकार ये भारत के गरीबों के लिए समर्पित है, और गरीबों के लिए समर्पित है यह केवल कहा ही नहीं करके दिखा दिया। तो योगी जी ने अभी जिन बातों का उल्लेख किया, आप कभी कल्पना कर सकते हैं इस देश का कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जिसका स्वप्न होगा कि हमारा भारत एक स्वच्छ भारत होना चाहिए, सुंदर भारत होना चाहिए, स्वस्थ भारत होना चाहिए, और अपने हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए निकल जाए और भारत के राष्ट्रपति से लेकर गवर्नर मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों पर आ जाए। लोगों को लगता होगा स्वच्छता अभियान तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक उद्देश्य और निहित है। यह संदेश देना चाहते थे हमारे प्रधानमंत्री, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, गंदगी साफ करना यह काम छोटा नहीं है, हर काम की एक अहमियत होती है, हर काम एक अपने में अपना उसका महत्व होता है। यह संदेश देने के लिए ही उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर बने गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है तो चिंता की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत संकल्प लिया है कि 8 करोड़ परिवारों को हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाएंगे। योगी जी चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना,
गरीबों की यदि चिंता न रहती तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात हम लोग क्यों करते? केवल टाटा बिरला और अंबानी ही, इन्हें ही अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वो बैंकों पर जाकर दस्तक दे सके। ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब को भी अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, तो हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा। ऐसी यदि हम योजनाओं की चर्चा करें, उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। और यह संकल्प ले लिया कि 2022 आते आते इस हिंदुस्तान में एक भी गरीब शेष नहीं बचेगा जिस गरीब को अपना सिर ढकने के लिए छत मुहैया न हो जाए। क्या यह सारी बातें लोगों की समझ में नहीं आ रही कि हमारी सरकार यह सब सारी चीजें क्यों कर रही है? फिर भी अनाप शनाप के आरोप इस सरकार के ऊपर लगाते रहते। बहनों भाइयों, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, मत भूलना कि जिस भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, कई मामलों में यह भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से भिन्न है। यह फैमिली बेस्ड पॉलिटिकल इंटरप्राइज नहीं है भारतीय जनता पार्टी। परिवार आधारित कोई राजनीतिक उद्यम नहीं है, व्यापार नहीं है, यह एक राजनीतिक पार्टी है। यदि हम राजनीति करते हैं तो जैसा मैंने कहा, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। राजनीति शब्द के अर्थ को भी हम समझते हैं, राजनीति शब्द के भाव को भी हम समझते हैं। राजनीति यह शब्द, राज और नीति, यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। और जो संस्कृत के जानकार होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी, यह नीति शब्द संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट, किशोर ले जाना, सनवार्ग की ओर ले जाना। हम ऐसी राज व्यवस्था चाहते हैं जो राज व्यवस्था समाज को सनवार्ग की ओर ले जाने का काम करे, इसे ही राजनीति हम कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है और अपना भाव भी खो चुका है। आइए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह संकल्प लें कि जब तक भारत की राजनीति में इस शब्द के खोए हुए अर्थ एवं भाव को पुनः स्थापित नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं लेंगे। क्यों नहीं हम यह संकल्प ले सकते हैं? और मत बोलिए, भारतीय जनता पार्टी देश की अकेली यह राजनीतिक पार्टी है जिसने कि भारत के राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम किया। हमारे बहुत लोग कहते हैं कि साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी केवल सत्ता हासिल करने के लिए काम करती है, उसकी कोई विचारधारा तो है नहीं। जिस तरीके से सत्ता मिल जाए मान लीजिए वही उसकी विचारधारा है। नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें विचारधारा दी है, एक आत्म मानव दर्शन की विचारधारा। उन्होंने कहा कि यदि हमारी पार्टी के लिए कभी सरकार बन गई तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, यह मनुष्य जो चार चीजों को मिलाकर बना हुआ है, तन मन बुद्धि और आत्मा, इन चारों को सुख प्राप्त हो, आनंद की प्राप्ति हो, हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लोगों ने कहा कि पंडित जी यह कैसे होगा? तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में इसे मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपेक्षा करता हूं किसी मंत्र को चित्त में बैठा लें। हम राजनीति इसीलिए करते हैं, इस सच्चाई को तो कम से कम आप स्वीकार करेंगे कि मनुष्य इन चार चीजों को बना हुआ है। यह शरीर है, इंद्रियां हैं, इसे हम तन कहते हैं। भगवान ने मन दिया है, मन बहुत ही चंचल होता है, बुद्धि दी है, और चौथी चीज आत्मा दी है। उन्होंने कहा कि जब तक इन मनुष्य के इन चारों चीजों को सुख नहीं मिलेगा, तब तक मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो लोगों ने कहा कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा, अब उसको मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं जो कहा सो उन्होंने कहा, बहनों भाइयों, तब तक यह नहीं मिलेगा जब तक हर तन के सुख के लिए धन धान न मिल जाए, यानी जब तक
शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के लिए पैसा न हो, धन न हो। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, देखने के लिए सुंदर चीजें चाहिए, सुनने के लिए अच्छी बातें चाहिए, यानी शरीर के सुख के लिए धन चाहिए। तो उन्होंने कहा तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, लेकिन उसके बाद मन है। तो मन की सबसे बड़ी भूख क्या होती है? हर कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता है, उसको जिंदगी भर टिकट ना मिले तब भी वह काम करता रहेगा, अपना जिस बहाता रहेगा। कार्यकर्ता हमारा चाहता है तो मान सम्मान चाहता है, कुछ नहीं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानव दर्शन है, उसमें तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, तीसरी चीज है बुद्धि। यदि कोई बिल्कुल पागल हो जाए, दिमाग काम ही ना करे, तो उसे बुद्धि का सुख मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन व्यक्ति यदि ज्ञानी होता है, गूढ़ से गूढ़ बातों को समझने की उसके अंदर बौद्धिक क्षमता होती है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। एक उदाहरण पंडित जी भी दिया करते थे, कहते थे कि एक व्यक्ति जिसका नाम आर्कमिडीज था, एक सिद्धांत की तलाश कर रहा था। जब पानी से भरे हुए टब में वह बैठा, तो पानी जब टब से बाहर निकला उसके बैठते हुए, तो उसने कहा कि मैं पा गया, यानी यूरेका यूरेका कहते हुए वह बाहर दौड़ने लगा। यानी उस समय जो सुख की उसे प्राप्ति हुई थी, वह शरीर का सुख नहीं था, मन का सुख नहीं था, वह बुद्धि का सुख था। और मैं कहता हूं, यदि हम आपको तन का सुख, सारा धन दौलत आपको सब दे दें, लेकिन चौराहे पर खड़े होकर आपको हम दो अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपको सुख की अनुभूति होगी? इसीलिए तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज आत्मा। बहुत सारे पढ़े लिखे जो वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं, साहब आत्मा का कोई कहीं पर कोई एग्जिस्टेंस है, कोई अस्तित्व है? कहां है आत्मा, हमको दिखाइए। एक उदाहरण, बहनों भाइयों, माताएं बहने जानती होंगी, आप भी जानते होंगे, कोई मां बहन अपने छोटे मासूम बच्चे को घर में छोड़कर 4 दिन के लिए बाहर चली जाए, और 4 दिन के बाद जब वह घर लौटती है, 1.5 साल का उसका नन्हा मुन्ना बच्चा अपने घुटनों पर चलते हुए मां 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 कहकर जब मां की ओर दौड़ता है, और मां जमीन से उठाकर जब उसे सीने से लगा लेती है, उस समय जो मां को सुख प्राप्त होता है, वह तन का सुख नहीं होता, वह मन का सुख नहीं होता, वह बुद्धि का सुख नहीं होता, वह आत्मा का सुख होता है। उसे ही आदमी यह सुख कहते हैं। तो पंडित जी ने यह कहा उन्होंने, केवल तन के शरीर के सुख से काम नहीं चलेगा, केवल मन के सुख से काम नहीं चलेगा, बुद्धि के सुख से काम नहीं चलेगा, हर व्यक्ति को आत्मीय सुख भी मिलना चाहिए, आत्मा का सुख भी मिलना चाहिए। तो आगे बहुत लंबी बात है, उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं लंबा समय लगेगा। यानी उनका यह भी कहना था कि व्यक्ति का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या उसका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, यह भी पंडित जी ने कहा था। जिसे हम कभी भगवान कह देते हैं, मान लेते हैं, जो सारे पूरे होल यूनिवर्स का, पूरे सृष्टि का जो संचालन कर रहा है। तो हमारा एकात्म मानव दर्शन ऐसा है, और उसी दर्शन के आधार पर ही सचमुच हमारे मोदी जी ये सरकार चला रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत के हर व्यक्ति के तन के सुख के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम पैसा कमाने का है, लोगों को रोजगार देने का कार्यक्रम पैसा कमाने के लिए है। ऐसी योजनाएं चला रहे हैं कि हर तन के सुख के लिए धन धान मिल जाए, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान मिल जाए, और बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए, और साथ ही साथ व्यक्ति को आत्मीय सुख मिले, तो हर आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। यानी सबका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास तभी होता है जब भौतिक के साथ साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी होता है। हमारे कहने का उद्देश्य है,
माने भगवान की अलग अलग अवधारणा है, मैं वो भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, उसे दूसरे रूप में नहीं लेना चाहिए। यानी आत्मीय सुख व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, ये हमारी विचारधारा है और इस विचारधारा को हम लेकर काम कर रहे हैं। और हमारे दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की कल्पना की। महात्मा गांधी ने भी उसके पहले कहा था कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को हमको ऊपर उठाना है। आज भारतीय जनता पार्टी दो बातों को लेकर, अंत्योदय और राष्ट्रवाद, इसको लेकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। और आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की मान्यता निरंतर बढ़ती चली आ रही है। तो हमको इस सच्चाई को भी समझना चाहिए। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध और मैं करना चाहता हूं, मैं देखता हूं कुछ जल्दबाजी बहुत सारे लोगों को होती है, यह मिल जाए वह मिल जाए। लेकिन बहनों भाइयों, जो मेरे राजनीतिक जीवन का अनुभव है, मैं उस आधार पर कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, जो जब होना है तब होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारा काम, हमारा धर्म केवल काम करना है, हमारा धर्म केवल काम करना है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हम हो चाहे कोई भी हो, कभी याचक मत बनना, याचक मत बनना, आप सदैव दाता बनकर रहना। मैं आपसे यही अपील मैं करना चाहता हूं, दाता बनकर रहना। आज यदि हम सत्ता में बैठे हैं, आपने जो दिया है उसके कारण बैठे हैं मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, दाता आप हो, इस कारण हम सत्ता में बैठे हैं। हमारे जैसा व्यक्ति, जिसे लोग कभी 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 कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स है, ये कह सकते हैं, मैं तो कहता हूं पूरे विश्व की धरती पर सभी याचक हैं। दाता यदि कोई है तो विधाता है, एक है, उसको जो कह लीजिए, जो इस प्रकृति को, जो इस दाता को जो देना होगा देगा, हम उसके लिए सब कुछ अपनी मर्यादाओं को तोड़ दें, हम याचक बनकर लोगों के सामने कर लें। जीवन में मर्यादा मत तोड़ना मेरे मित्रों, कभी भी। मैं देखता हूं कभी आपके वरिष्ठ आते हैं, आयु में आप छोटे हैं, लेकिन कभी कभी अज्ञानता बस, मैं उसका कोई भूल नहीं, अपराध नहीं मानता, जो सम्मान देना चाहिए बहुत सारे लोग नहीं देते। और मैं बताना चाहता हूं, मनुष्य के जीवन में मर्यादा की कितनी अहमियत होती है। राम और रावण को तो आप जानते ही हैं, रावण राम से ज्यादा धनवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, धनवान थे सोने की लंका थी, ज्ञानवान थे सबसे प्रकांड विद्वान, उस समय भी कोई माना जाता था तो रावण माने जाते थे, धनवान थे ही सोने की लंका थी, अब बलवान भी थे, धनवान भी थे बलवान भी थे राम से, ज्ञानवान भी थे राम से, लेकिन मेरे बहनों भाइयों, पूजा रावण की नहीं होती है, आजीवन मर्यादाओं का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ही देवी पूजा। मत भूलना इसे, मैं बराबर अपने कार्यकर्ताओं से जो कहता हूं, जब मिलते हैं किसी की बात करते हैं, तब ये नहीं हो रहा है वह नहीं हो रहा है, मैं उनको बता मैं क्या दे सकता हूं, जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, काम करते जाओ, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो उस जन्म में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मिलकर रहेगा। इतनी गारंटी पक्की, अब मैं यह बतला सकता हूं।
वैसे इसकी भी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन उस बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, मैंने ऐसा नहीं है कि हमको खराब लगता है, मुझे लगता है कि अभी बेचारे की समझ नहीं है। इस कारण मुझे लगता है कि सोच और विकसित होनी चाहिए, इस कारण मुझे लगता है, इसलिए मैंने कहा। और सारे देश भर में आप जैसे ही कार्यकर्ता होंगे ना, बूथ, बूथों का गठन कर दिया। क्यों सुनिए, यहां भी बूथों के, बूथ के कार्यकर्ताओं का पूरा गठन हुआ, आपने किया है। और हमारे रामलाल जी बार बार कहते हैं, बूथ जीता चुनाव जीता, चुनाव जीता तो देश जीता, सरकार बन गई। यह करिश्माई काम आप ही ने किया है, आप ही को करना है। मिलेगा ना? लेकिन आइंदा फिर ऐसी बात हमको सुनने को नहीं मिलेगी, पक्की बात हो गई कि नहीं हो गई जो मैंने कहा है। और मैंने सचमुच हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी जिस तरीके से काम किया है, अब ये बता रहे थे, मैं पूछ बैठे बैठे मैं नोट कर रहा था, 8,85,000 ग्रामीण आवास ये तैयार हो गए और 4,32,000 शहरी आवास। कानून और व्यवस्था के मामले में इतनी बात तो मैं कह सकता हूं, जो गृह मंत्री हूं मैं जानता हूं, मुझे मेरे पास भी फीडबैक आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी फीडबैक आते हैं। कम से कम यह मैं यह दावा नहीं करता कि सारे अपराधी भद्दे हैं, लेकिन इतना काम तो योगी जी ने कर दिया कि अपराधियों के दिल में कलेजे में दहशत पैदा कर दी। यह काम तो हमारे मुख्यमंत्री ने कर दिया, इस सच्चाई को कोई नकारेगा। एक बार अपराध करने के पहले ऊपर नीचे चार बार को सोचना पड़ेगा। तो सच में गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार देना, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार से जन सामान्य की यह अपेक्षा रहती है। और इस काम को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सचमुच बहुत ही बखूबी कर रही है। और वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं, और मैं बता दूं आयुष्मान भारत की जो योजना आ रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते प्रभावी तरीके से यह आयुष्मान भारत की योजना लागू हो जाने के बाद भी गरीब से गरीब व्यक्ति, समाज के सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति इलाज के अभाव में कभी दम नहीं तोड़ने पाएगा। बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं विश्व में इस प्रकार की अपने में एक अद्भुत योजना, ओबामा केयर की बात की जाती थी, अब विश्व में भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि भाई हिंदुस्तान जैसे देश में मोदी जी ने आयुष्मान भारत की जो योजना लागू कर दी है, यह तो एक नए तरीके का मोदी केयर सिस्टम जो हो गया वहां पर उन्होंने लागू कर दिया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन हमारे विरोधियों को बात पच नहीं रही है। हमारे विरोधी क्या कहते हैं, हमारे विरोधी कहते हैं कि साहब कोई ज्यादा कोई खास काम नहीं हुआ, हमको धरातल पर नहीं दिख रहा है। पता नहीं हो धरातल पर दिखने के लिए किस चश्मे की जरूरत है, कहां जाकर देखेंगे? क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने हुए मकान नहीं दिख रहे हैं? क्या हमारे नेशनल हाईवे नहीं दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़कें बन रही हैं वह नहीं दिख रहा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर बन रहे हैं वह नहीं दिख रहा? बहन भाई, ईमानदारी की बात तो यह है, अरे वह भी अपने कलेजे पर हाथ रखकर छोड़े सोचें। तो इतनी बात मैं पक्की कह सकता हूं, प्रधानमंत्री की नीति को लेकर विरोधी दल के विवाद खड़ा कर सकते हैं, संदेह पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने 4 वर्षों तक जिस तरीके से काम किया है मेरे बहनों भाइयों, नीति पर काम अधिक हुआ कम हुआ इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की नीयत पर कोई सवाल या निशान नहीं लगा सकता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से, वैसे यह कार्यक्रम सारे देश भर में चला है अच्छी तरह, ग्राम स्वराज अभियान का कार्यक्रम, लेकिन मुझे यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रभावी तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया है और बहुत ही कामयाब रहा है।
ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ग्राम चौपालों का लगना और स्वयं अधिकारियों को वहां पर आना, और शायद उसके अतिरिक्त भी योगी जी बहुत सारे गांवों में आपने इस कार्यक्रम को कराया है, 17,000 गांव में जनता तक पहुंचने की यह कोशिश है। सरकार ये जनता तक पहुंचना चाहती है, सरकार तक जाना चाहती है, इसलिए यह सब सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है, सब कुछ हो जाए लेकिन विकास की भी पहली शर्त है सुरक्षा। विकास की पहली शर्त है सुरक्षा। मैंने पहले ही कह दिया, सारी दुनिया ने मान लिया है कि भारत अब एक कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत ताकतवर भारत बन गया है। काश्मीर है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, एनआरसी को लेकर भी विवाद खड़े किए जा रहे हैं। अब मैं पहले एनआरसी की चर्चा करना चाहता हूं। एनआरसी का जहां तक सवाल है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मैं अपने विरोधी दल के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी देश को, हमारे यहां कितने विदेशी रहते हैं, कितने देशी हैं, क्या इसका आंकड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इतना भी किसी देश के सरकार को, किसी हुकूमत को, वहां की जनता को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कितने देशी हैं, कितने विदेशी हैं? अब इस काम को हम लोग कर रहे हैं, इस पर भी सवालिया निशान उन लोगों के द्वारा उठाया गया, लेकिन संसद में बाद में चुप हो गए लोग। और जबकि एनआरसी का काम पहले ही प्रारंभ हो चुका था, नहीं हो पाया, हमारी सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में कर रही है, काम काफी हद तक पूरा हो गया है। यहां तक नक्सलवाद का प्रश्न है, बहनों भाइयों अखबारों में आप पढ़ते होंगे 135 जिलों में जो नक्सलवाद प्रभावित था, लोगों की हत्याएं होती थी, लूटे जाते थे, अपहरण होते थे, आज हिंदुस्तान के केवल 8-9 जिलों में सीमित होकर वह रह गया है। यह 4 वर्षों की कामयाबी है हमारी, आपकी सरकार की। नार्सिस का उग्रवाद लगभग समाप्ति पर है, नार्सिस का उग्रवाद भी पूरी तरह लगभग समाप्ति पर है। काश्मीर का जहां तक सवाल है, काश्मीर में समझता हूं कि अखबारों में पता नहीं उत्तर प्रदेश में आता है कि नहीं, लेकिन आता होगा, हमारे सेना के और सुरक्षा के जवान रोज 2, 4, 5, 6, 7, 8 को टपका देते हैं। आपने देखते हैं यहां अखबारों में आता है कि नहीं आता, रोज टपका देते हैं। यह भी आंकड़ा दिया, आप लोगों ने देखा होगा कि अब आतंकवादी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अब दहशत पैदा हो गई है स्थानीय स्तर पर, कुछ लड़कों को गुमराह करके आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने की कोशिश होती रही है। लेकिन पहले ही जितने लोग आतंकवाद के रास्ते पर जाते थे, उनकी संख्या काफी कम हो गई। यह है आपकी सरकार का करिश्मा। और जहां तक आतंकवादियों से निपटने का है, डंके की चोट पर हम लोगों ने कह दिया है कि हमारे सेना और सुरक्षा के जवानों, जहां तक जाना चाहते हो जाओ, तुम्हारे हाथ कभी बांधेगी नहीं यह सरकार। यह विश्वास और भरोसा हम लोगों ने उनको दे दिया, और इस दृष्टि से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, कि अब हमको जनता के बीच जाने की जरूरत है, हम जाएं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 350 का लक्ष्य रखा है, 350 का। मुझे लगता है हम 350 के लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, वह एक्सप्रेसवे यहीं से जाएगा, उत्तर प्रदेश से भी। और एक नारा लेकर जाइए, इस बार भारतीय जनता पार्टी 73 से भी बेहतर करेगी, 73 से भी बेहतर इस बार के चुनाव में होगी। यह संकल्प लेकर हम लोगों को लगने की जरूरत है। यहां पर सिर्फ डॉक्टर महेंद्र जी पांडे, बहुत ही अनुभवी, संगठनिक अनुभव भी बहुत पुराना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। योगी जी लोकप्रिय हैं, गुड गवर्नेंस के मामले में भी इन्होंने अपनी एक साख बनाई है,
मोदी जी की लोकप्रियता और हमारे अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल और हमारे रामलाल जी जैसे संगठन मंत्री, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, शिव प्रकाश जी, जिन्हें कि सांगठनिक कामों में पूरी तरह से महारत है, तो हमें विजय क्यों नहीं प्राप्त होगी? हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वह लक्ष्य हासिल करके ही दम लेंगे। इस विश्वास के साथ मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। और पुनः मैं इस तक अपने बात को दोहराना चाहता हूं, 350 का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को हासिल करने में 73 से भी बेहतर परिणाम उत्तर प्रदेश में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करें। क्रांति की